मॉडल एक्ट के विरोध में कृषि मंडी के व्यापारी हड़ताल पर है। व्यापारियों ने शनिवार को मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। गेट पर ताला होने से उपज लेकर पहुंचे किसान मंडी के अंदर नहीं जा सके। इस कारण पावर हाउस रोड पर जाम की स्थिति बन गई। मंडी के गेट पर लगे ताले को खोलने के लिए किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस बल पहुंचा और स्थिति संभाली। बाद में तहसीलदार भी मंडी पहुंचे और मंडी सचिव और एसडीएम से बात कर ताला खुलवाया। मंडी का ताला खुलने पर किसान उपज लेकर मंडी के अंदर पहुंचे। तहसीलदार ने मीडिया को बताया, सर क्या व्यवस्था देखने आए थे आप, यहाँ क्या हुआ? यहाँ मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे गए हुए हैं, तो उन्होंने मंडी के गेट पे शासकीय नगर वाले के गेट पे ताला लगा दिया। इस कारण यहाँ पे जाम जैसी स्थिति बन गई थी। बाद में एडीएम मैडम और एसडीएम मैडम से समझाइश के ताला खुलवाया गया है और पुलिस व्यवस्था यहाँ रखी गई है ताकि कोई शासकीय संपत्ति को नुकसान ना पहुँचे। अब अगर मंडी कर्मचारी तो एक भी नहीं है, अब इसमें व्यवस्था कैसे? ये अभी किसान और व्यापारी आपस में मिलकर जो है अपना कार्य करेंगे और हमारी पुलिस व्यवस्था यहाँ रहेगी। पाँच सितंबर शिक्षक दिवस निजी स्कूलों ने काला दिवस के रूप में मनाया। हाथीखाना स्थित विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्टैचू पर माल्य अर्पण कर समीप ही धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे शिक्षक हाथों में काला झंडा लिए हुए थे। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ विगत 4 दिनों से स्कूल खोलने की मांग सहित अन्य मुद्दे पर हड़ताल पर है। संघ ने 5 चरण में विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम जारी करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संघ के प्रांतीय सचिव दीपेश ओझा ने बताया, दीपेश ओझा प्रांत सचिव, ये आज जो प्रदर्शन चल रहा है काली पट्टी बांध के विरोध चल रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ जिला इकाई रतलाम द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में शिक्षक दिवस का बहिष्कार करके काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं शासन से, मध्य प्रदेश शासन से, कि जब आपने सभी चीज़ें खोल दी है तो विद्यालय क्यों नहीं खोलने दिए जा रहे हैं? विद्यालय आप सम विषम संख्याओं के आधार पर खोलें कि एक दिन पहली, एक दिन तीसरी, एक दिन दूसरी, एक दिन चौथी, जैसे आर्ड इवन के तौर पर, प्रयोग के तौर पर भी खोले जा सकते हैं। दूसरा, पहली से आठवीं जो नवीनीकरण है मान्यताओं का, वो 3 वर्षों का दिया जाए। तीसरा, आरटी का भुगतान जो अभी तक 2 वर्षों का लंबित है, 18, 19, 19, 20, इसको तत्काल दिया जाए। चौथी मांग है हमारी 9 से 12 का जो माशिमा ऐप है वो विसंगतिपूर्ण है और 2017 में हम पे लादा गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए और पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर ही लागू किया जाए जो कियोस्क के माध्यम से होती थी। साथ ही मान्यता नवीनीकरण जो सितंबर में है 9वीं से 12वीं की, उसकी तारीख जनवरी तक आगे बढ़ाई जाए क्योंकि संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अभी बहुत खराब है। यह खबर सुकून देने वाली है, नहीं रहेगा लॉकडाउन, रविवार को भी कीजिए व्यापार। कोरोना वायरस के ब्लास्ट ने ऐसा कोहरा मचाया कि नागरिक विगत 4 महीनों से लॉकडाउन की त्रासदी भोग रहे थे, फिर प्रति रविवार को 1 दिन का लॉकडाउन भोगा। इस लॉकडाउन से हर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। वहीं तनाव ने हर घर बीमारी पैदा की है, लेकिन अब राहत और सुकून की बात यह है कि अनलॉक के बाद साप्ताहिक रविवार के लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब रविवार को ना तो लॉकडाउन होगा और ना ही कोई रात्रिकालीन कर्फ्यू। इससे अब शहर में रविवार को भी पहले की तरह कारोबार होगा। शासन ने बसें चलाने की भी अनुमति दे दी है। सोमवार से शहर से ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए बसें भी नागरिकों को मिलने लगेगी। वहीं रेल यातायात भी सुचारू करने की कवायद तेज हो गई है। कुछ यात्री ट्रेन तो शनिवार से पटरी पर दौड़ने लगी है। जल्द ही रतलाम शहर भी सामान्य स्थिति में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगा। लॉकडाउन से थमे यात्री बसों के पहिए अब जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगे। सरकार के टैक्स माफ करने और बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की घोषणा के बाद बसों की सफाई शुरू हो गई है। रतलाम का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड अब तक सन्नाटे की चपेट में था। बसों के चलने की अनुमति के बाद शनिवार को बस स्टैंड पर भी साफ सफाई और आवाजाही देखी गई। बताया जाता है बस मालिकों ने सोमवार से फिर बसें सड़कों पर दौड़ाने की तैयारी कर ली है, जबकि शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बसें चलने की खबर है।
सुभाष नगर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। खबर के मुताबिक 19 वर्षीय युवक अरुण पिता कुंदन धूलिया हर दिन की तरह आज भी सुबह घूमने गया था। सुबह करीब 9 बजे लौटते समय सुभाष नगर रेलवे ट्रैक पर मांगलिक भवन के पास मालगाड़ी से वह टकरा गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ लग गई। युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव पीएम रूम में रखवाया है। मामले की जानकारी देते हुए कमल भाटी ने एएन टाइम्स को बताया। नगर का एक कुंदन धुलिया है, उसका लड़का है, 19 साल लगभग उसकी उम्र है और रोज सुबह घूमने निकलता है। इसी तरह आज भी वो सुबह 9 बजे घूमने निकला था। सुभाष नगर मांगलिक भवन के पास में एक रेलवे का ट्रैक है, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई उसकी।